hello everyone welcome back to cool school online Pathshala and in today's video we'll learn about concepts of marketing so let's get started so when we talk about concepts of marketing the first thing which we have to see is company orientation towards the marketplace so increasingly marketers operate consistent with the holistic marketing concept holistic marketing concept what we see in this video मतलब के पहले क्या-क्या आ चुके हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे ओके सो द वेरी फर्स्ट वन वॉज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो क्या कहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट अब तक रहा है बिजनेस में इट होल स्टार्ट प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर आल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव ठीक है ये कंज्यूमर जो है मतलब इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट का फोकस यही रहता है कि जो प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल हो और उसका जो प्राइस हो वो भी लोअर साइड पे हो डेट इज इनएक्सपेंसिव हो तो वो चीज अचीव कैसे होगा वो चीज चीज़ तभी हो पाएगा जब हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा ठीक है तो मेन फोकस इसमें वही करता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है किसी प्रोडक्ट का उसको लोअर मतलब डिक्रीज करने का ट्राई करता है ताकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फाइनल जो हो उसका जो सेलिंग uh, प्राइस हो वो लोअर साइड पे हो ठीक है तो मार्केटर्स आल्सो यूज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केट तो इस तरह का कॉन्सेप्ट एक मार्केटर तभी यूज करता है जब वो अपने कंपनी को अपने फॉर्म uh, को एक्सपैंड uh, करना चाहता है मार्केट में सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रपोजेस दैट कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर बेस्ट ऑफ क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो इसमें जो पूरा फोकस है वो एक प्रोडक्ट पे जाता है ठीक है इसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी हो वो बेस्ट हो परफॉर्मेंस बेस्ट हो उसका जो फीचर्स हो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव हो डिफरेंट हो तो मेन वही होता है इसमें हेयर वन थिंग मस्ट बी दैट अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट विल नॉट नेसेसरली बी सक्सेसफुल ठीक है यहाँ पे बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जो अगर सपोज कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है अपने कंपनी में ठीक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे मार्केट में अनलेस इट इज प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एडवरटाइज एंड ऑल्सो सोल्ड प्रॉपरली ये जो चार चीजें हैं प्राइस प्राइस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया और उसका सेलिंग हो गया तो ये सारी चीजें जो जब तक प्रॉपर नहीं होंगी ठीक है उस प्रोडक्ट में तब तक वो प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकेगा इसीलिए हम लोग इंश्योर ये करते हैं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा हो उसका प्राइस बढ़िया हो उसका क्वालिटी अच्छा हो उसका फीचर्स अच्छा हो ताकि लोग खुद ब खुद उस प्रोडक्ट uh, को परचेज करे ठीक है नेक्स्ट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट द सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेस इफ लेफ्ट अलोन एनफ ऑफ दर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मतलब कि अगर कंज्यूमर को और बिजनेस को हम लोग अलग अलग छोड़ दे ठीक है तो ये कहना चाह रहा है कि इट विल नॉट बाय एनफ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट हैंस ही ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरटेक एन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली सिंपली मतलब यही कहना चाहता है ये कि जो सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि हम लोग को मैक्सिमम सेल करना है प्रोडक्ट बाय हुक और बाय क्रुक इसमें हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे कि उसका प्राइस क्या है या क्वालिटी uh, क्या है और जो भी चारी, uh, सारी फीचर्स uh, होते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हुए बस मेन फोकस इसमें यही रहता है कि हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल करना है ठीक है सो एज पर सर्जियो जेमिन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कुआ कोला पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू सेल मोस्ट टफ टू मोर पीपल मोर ऑफेंट फॉर मोर मनी इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रोफिट तो ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से फोकस करता है सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जैसा कि ये बोल रहा है कि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोआ कोला के उन्होंने ऐसा कहा था कि जो पर्पज होता है मार्केटिंग का उस वो ये है कि टू तो सेल मोस्ट अफ ठीक है ज्यादा चीजें बेचना ज़्यादा लोगों को बेचना और ज्यादा जल्दी जल्दी बेचना ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके इनऑर्डर इज प्रैक्टिस मोस्ट अग्रेसिवली विथ by सच एज इंश्योरेंस एंड इनसाइक्लोपीडिया तो अनसाउट गुड्स वो होता है uh,

पहले के टाइम में क्या था की जो एक मार्केट था एक बिजनेस था वो पूरे तरीके से प्रोडक्ट सेंटर हुआ करता था ठीक है पर अब क्या हो गया है कि बिजनेस जो है वो इस फिलॉसफी से शिफ्ट हो करके कस्टमर सेंटर्ड की फिलॉसफी पे आ गया है द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स इसका मतलब पहले क्या था कि हम लोग प्रोडक्ट को बना लिए ठीक है प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग राइट कस्टमर ढूंढते थे उस प्रोडक्ट के लिए ये पहले के टाइम में हो रहा था पर अब के टाइम में ये हो गया है कि हम लोग पहले कस्टमर्स के नीड्स को उसके वांट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट को बनाते हैं ठीक है सो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स इज बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स इन क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू दी चोजन टार्गेट मार्केट ओके So, next we will see the difference between the selling concept and the marketing concept. Okay. So, Theodore Leavitt of Harvard drew a perspective contrast between the selling and the marketing concepts. So, it basically says that selling focuses on the needs of the seller, and on the other hand, marketing on the needs of the buyer. Selling is preoccupied with the seller's needs to convert his product into cash. And marketing with the idea of satisfying the needs of the customer by means of product and the whole cluster of things associated with creating, delivering, and finally consuming the product. So, now we'll see the holistic marketing concept. Uh, it is based on the development, design, and implementation of marketing programs, processes, and activities.

ठीक है और इसीलिए एक इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सो वॉट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग इट बेसिकली एम्स टू बिल्ड म्यूचुअली सैटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कंस्टिट्यूंट्स इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर बिजनेसेस मतलब जैसा कि नाम बोल रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग इसमें हम लोग का मेन फोकस होता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना ठीक है So the four key constituents for relationship marketing are customers, employees, marketing partners, and members of financial community. Uh, they include shareholders, investors, or analysis. Okay? The ultimate outcome of relationship marketing is a unique company asset called marketing network, which consists of the company and its supporting stakeholders. स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते हैं कंपनी में कस्टमर्स इंप्लॉय सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स विथ हुम इट हैज बिल्ट म्यूचुअली बिजनेस रिलेशनशिप्स, ओके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज बिल्ड एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स एंड प्रॉफिट विल फॉलो ऑटोमेटिकली तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में बेसिकली ये बोलता है कि एक बहुत ही इफेक्टिव नेटवर्क जो है वो तुम बिल्ड करो अपने की स्टेक होल्डर्स के साथ और जब ऐसा आप करोगे तो जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली फॉलो करेगा ठीक है अ ग्रोइंग नंबर ऑफ टूडेज कंपनीज आर आल्सो शेपिंग सेपरेट ऑफर सर्विसेज एंड मैसेजेस टू इंडिविजुअल कस्टमर्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मिंग अबाउट पास ट्रांजेक्शन डेमोग्राफिक्स साइकोग्राफिक्स एंड मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रफ्रेंसेस तो आजकल बहुत सारे कंपनीज ने ये चीज़ किया है अपना एक ऐसा सर्विस लाया है कि मैसेजेस के थ्रू वो अपने कस्टमर्स तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जैसे कि पहले ट्रांजेक्शन के बारे में डेमोग्राफिक्स के बारे में साइकोग्राफिक्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंसेस के बारे में तो इससे एक कंपनी का अपने कस्टमर्स से रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग हो जाता है जो हम लोग जो कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं उसको रिटेन करना ऐसा ना हो कि वो कस्टमर अभी वो हमारे बने अभी सपोज उन्होंने कुछ खरीदा हमसे और फिर आगे वो हमसे कुछ भी ना खरीदे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर को रिटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो कस्टमर हमेशा के लिए बना रहे हमारे कंपनी के हमारे प्रोडक्ट के लिए ठीक है एज अट्रैक्टिंग अ न्यू कस्टमर मे कॉस्ट फाइव टाइम्स एज मच एज अ गुड एनफ जॉब टू रिटेन एन एग्जिस्टिंग वन तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम नया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे ठीक है अपने प्रोडक्ट के टूअर्ड्स तो उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा दैट इज फाइव टाइम्स एज मच एज डूइंग अ गुड एनफ जॉब टू रिटेन एन एग्जिस्टिंग वन तो इसीलिए फोकस ये रहता है कि जो ऑलरेडी कस्टमर्स हमारे बने हुए हैं उनको हम इतना सर्विस uh, अच्छा प्रोवाइड करें इतना बेनिफिट दें कि वो हमसे जुड़े रहे हमसे अलग ना हो ताकि हमें नया जो कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है ठीक है इन टर्म्स ऑफ मनी तो नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ट एंडिवर वैल्यू फॉर कस्टमर्स मार्केटिंग मिक्स टूल ऑफ फोर ब्रॉड काइंड अकॉल दीज ऑफ मार्केटिंग ठीक है जो फोर पी है मार्केटिंग का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो क्या क्या है वो फोर पी मार्केटिंग मिक्स के अंदर पहला इस प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड uh, करेगा ठीक है प्रोडक्ट वैरायटी प्रोडक्ट का क्वालिटी उसका डिजाइन उसका फीचर्स ब्रांड नेम पैकेजिंग अलग अलग साइजेस सर्विसेज वारंटीज रिटर्न तो ये सारी चीजें जो है वो एक प्रोडक्ट के अंदर आती हैं नेक्स्ट इज प्राइस ठीक है तो प्राइस में लिस्ट प्राइस हो गया डिस्काउंट्स हो गया अलाउेंसेस हो गया पेमेंट पीरियड क्रेडिट टर्म्स एक्सेट्रा नेक्स्ट इज प्रमोशन प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन आ गया एडवर्टाइजिंग आ गया सेल्स फोर्स आ गया पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट मार्केटिंग एंड नेक्स्ट इज प्लेस सो प्लेस इंक्लूड की चैनल्स कवरेज असोर्टमेंट्स लोकेशन इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट तो ये जो चार चीजें हैं जो कि फोर पीस कहलाती हैं मार्केटिंग की तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लिए ठीक है

तो एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो मार्केटिंग टूल है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो कस्टमर को किसी ना किसी वे में बेनिफिट पहुंचाए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेक डाउन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज हैज दैट सेंटर्स ऑन कस्टमर्स ठीक है जिसका फोकस जो है वो कस्टमर्स के टूअर्ड होता है इट्स फोर डायमेंशन दैट इज सिवा एंड दरिस्पोंडिंग कस्टमर्स क्वेश्चन आर s is for solution that is how can i solve my problem i is for information where can i learn more about it v is for value that is what is my total sacrifice to get that particular solution and a is for access where can i find it. Okay. winning companies satisfy consumer needs and surpasses their expectations economically. And also conveniently and with effective communication. So, next is internal marketing. Holistic marketing incorporates internal marketing, ensuring everyone in the organization embraces appropriate marketing principles and, especially, senior management. Internal marketing is the task of hiring, training, and motivating able employees.

एक्सेलेंट सर्विस बिफोर दी टू प्रोवाइड इट ठीक है अगर हम बाहर कर दिए लोगों को कि वी आर गोइंग टू तो प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस और जो हमारे कंपनी के अंदर में जो भी काम कर रहे हैं, स्टाफ है एम्प्लॉयज है वही अगर रेडी नहीं है अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो ये जो प्रोमिस है उसका कोई सेंस नहीं बनता है ठीक है दैट्स वॉट इट इज ट्राइंग टू से इंटरनल मार्केटिंग मस्ट टेक प्लेस ऑन टू लेवल्स इंटरनल मार्केटिंग जो है वो दो लेवल पे प्लेस होना चाहिए तो एट वेरी फर्स्ट लेवल वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस व्हिच इंक्लूड सेल्स फोर्स एडवरटाइजिंग कस्टमर सर्विस प्रोडक्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग रिसर्च दे ऑल मस्ट वर्क टूगेदर और जो सेकेंड लेवल uh, है

अच्छे के लिए कस्टमर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए मतलब पूरे तरीके से कस्टमर के व्यू पॉइंट से सोचने के लिए ठीक है और ताकि वो कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके इंटरनल मार्केटिंग दस रिक्वायर्स वर्टिकल अलाइनमेंट विद सीनियर मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट्स के साथ जो इंटरनल मार्केटिंग का है उसका वर्टिकल अलाइनमेंट का जरूरत होता है एंड ऑल्सो हॉरिजोटल अलाइनमेंट विद अदर डिपार्टमेंट्स so that everyone understands appreciate and also supports the marketing effort next is performance marketing holistic marketing incorporates performance marketing and understands the business from marketing activities and programs as well as by addressing broader concerns and the legal ethical social and environmental effects on the business okay so, it is said that top management is now assessing the market share, customer retention, customer satisfaction, product quality, and other measures. Uh, financial accountability it is uh, that marketers are now increasingly asked to justify their investment in terms of profitability, brand building, and growing the customer base, employees. डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर रिलेशन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो मार्केटर्स जो है वो जब इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ठीक है इन टर्म्स ऑफ प्रोफिटेबिलिटी ब्रांड बिल्डिंग ग्रोइंग द कस्टमर बेस एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ये सारी चीजों में जब एक मार्केटर इन्वेस्ट करता है तो वो जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उस चीज के लिए वो अकाउंटेबल होता है है, उसको सारा इन्वेस्टमेंट जो है अपना वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ हाँ हम ये सारी चीजों में मैंने इन्वेस्ट किया इतना मैंने इन्वेस्ट किया और इस रीजन से मैंने इन्वेस्ट किया तो ये सारी चीजें जो है एक मार्केटर के लिए अकाउंटेबल हो जाती हैं ओके इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मच ऑफ फर्म्स मार्केट वैल्यू कम्स फ्रॉम इनटानजेबल एसेट्स इनटेबल एसेट्स which we cannot touch or see okay? particularly their brands customer base employees distributors and supplier relations and intellectual capital next is social responsibility marketing the effects of marketing is now extended beyond the company and the customers to society as a whole ये जो मार्केटिंग का जो इफेक्ट है वो अब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है दैट इज बियॉन्ड कंपनी एंड कस्टमर ओके सो मार्केटर्स मस्ट केयरफुली कंसीडर देर रोल एज ब्रॉडर टर्म्स एंड एथिकल इन्मेंटल लीगल एंड सोशल कॉन्टेक्स ऑफ देर एक्टिविटीज दिस रियलाइजेशन इज कॉल्ड दोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इट होल्ड दर्गेनाइजेशन द नीड्स wants and interest of the target markets and to deliver the desired satisfactions more effectively and also efficiently than competitors in a way that preserves or enhances the customers and society's long-term well-being so firms like hp have introduced recyclable computers and printers and reduced greenhouse emissions the social marketing concept calls upon marketers to build social and ethical considerations into their marketing practices. They now just uh, uh, must juggle and balance the often conflicting criteria of company profits, consumer want satisfaction, and public interest.

कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी मेरा कंपनी में काम चल रहा है हम उन सारी चीज़ों को सोसाइटी के टर्म्स में सोच के ही काम करें ठीक है जैसे कि पोल्यूशन ना क्रिएट करे या फिर आ, जो सपोज जैसे बॉडी शॉप का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया तो बॉडी शॉप्स के प्रोडक्ट पे हम लोग पीछे में देखते हैं कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आ, इसमें कोई भी एनिमल का आ, इस्तेमाल नहीं किया है या एनिमल को नहीं किल किया गया है ये वॉट्स है तो ये सारी चीजें जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आ, तरह काम करती है जो कि कंपनी को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड कर सके सोसाइटी के साथ ताकि अल्टीमेटली जो एक आ, जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा से बिल्ड हो कि कंपनी or grow current okay so that was it for today's video uh, also one more thing that uh, the things that we talked like relationship marketing integrated marketing internal marketing performance marketing and social marketing concept these all concepts uh, comes under holistic marketing concept okay uh, so, that much for today's video, guys. I uh, hope you enjoyed the video. Uh, keep learning and keep growing, and also keep following Atom to Bite for such amazing videos. Hope to meet you guys soon in the next video.